लव। नहीं हो रहा? एग्री भाई मनोज से डालो। हो गया? हो गया क्यों? हो गया ना? गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मुलायम सिंह यादव, मनोज एग्री यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आगे का जो आज का जो लाइव सेशन होगा, इसमें आगामी 30 मिनट्स के अंदर अपन जो एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं एक बार मेरे बारे में फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं मुलायम सिंह यादव, डायरेक्टर अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू जयपुर से, और आपके लिए आज जो मैं क्लास लेके आया हूँ वो एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो आप जो ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी है वो अपने जो भी साथी है वो साथी जो है अपने लाइव सेशन को शेयर कीजिएगा और अपने चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि रेगुलर जो क्लासे होगी वो 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में आपकी रेगुलर अपने यूट्यूब चैनल पे आपकी क्लासे रहेगी। तो आप जो सभी विद्यार्थी है, अपने से राहुल जो है, राहुल दीपक सोनी जी, राहुल दीपक सोनी, सुनीता कुमारी, जय राइज, जयवर, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता कुमारी 40 में 4। तो आप सभी जो है अपने यूट्यूब जो है चैनल को है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, आज की जो लाइव सेशन है इसको शेयर कीजिएगा। तो एग्री मनोज सर के नाम से जो अपना यूट्यूब चैनल है, और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, अपने लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आज के जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो आप जो अपनी आगामी जो क्लास है उस क्लास को रेगुलर देखिएगा। काफ़ी जो है राहुल चरण जो है, स्टार्ट करो सर। तो बिल्कुल राहुल, अभी 1 या 2 मिनट में नरेंद्र सिंह जी है, बिल्कुल जो भी विद्यार्थी है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 40 है, 40 से पहले हमने पहले की क्लास के ऊपर है ना, हमने इसके ऊपर डिस्कस किया। तो यहाँ पर है सुनील वर्मा जी, एग्री राठौर जी, ओके बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 40 है, इस क्वेश्चन नंबर 40 को पहले आप समझिए अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यहां पर अपन डिस्कस करेंगे, निम्न में से कौन सी खेती जहां पर किसान फसलों को उगाने के लिए कोई सिंचाई नहीं करता और केवल बरसात के ऊपर आधारित रहता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो अपना 40 है वो ये कह रहा है कि जिन क्षेत्रों के अंदर किसान के पास सिंचाई के कोई रिसोर्सेज नहीं है और वहां पर जो किसान है वो मात्र क्या है कि वो वर्षा के ऊपर आधारित खेती करता है, तो उस वर्षा आधारित खेती को क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो है सूखी खेती, जिसे ड्राई फार्मिंग अपन कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर तीन है आपका जैसे सिंचित खेती, इरिगेटेड, ये इरिगेटेड फार्मिंग जिसको अपन कह सकते हैं। और उसके बाद में एक कौन सा होता है, रेनफेड फार्मिंग, ठीक है। तो रेनफेड फार्मिंग जो होता है, रेनफेड फार्मिंग के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इसका जो अर्थ है वो क्या होता है कि जहां पर वर्षा के ऊपर आधारित जो कृषि की जाती है उन क्षेत्रों में की जाने वाली जो खेती है वो क्या होती है, रेनफेड। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इन क्षेत्रों के अंदर जो वर्षा की मात्रा है वो कितनी होती है आपकी, 1150 mm, ठीक है। ये आपके कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रेनफेड फार्मिंग के अंदर बरसात की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो होती है 1150। तो 40 नंबर का जो क्वेश्चन था राइट आंसर, काफी लोगों ने सही जवाब दिया, बिल्कुल अनिल कुमार जी डी, पूजा यादव डी, राइट आंसर रेनफिट, बिल्कुल गुजर जो है, गुजर जी आपने बिल्कुल अच्छा आंसर दिया है, एग्री राठौर जी बिल्कुल धन्यवाद, अनिल कुमार जी 1150। तो आप जो सभी विद्यार्थी है ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना है अपना जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि राजस्थान के प्रत्येक कोने के अंदर जो है वो जो कृषि विद्यार्थी है, जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों तक जो है अपनी क्लास जा सके।
अब यहां पर देखिए अपन जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वो है आपका 41। बहुत गजब का क्वेश्चन है। 41 के ऊपर अपन देखो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन समझिएगा पहले। एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाने को कहा जाता है। जब अपना खेत है, एक ही ऋतु में दो या दो से अधिक फसलों को उगाया जाता है, उस प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो उस प्रणाली को देखिएगा, एक है आपका मिक्सड फार्मिंग, एक है आपका मिक्सड सस्टेन, और जिसे इंटरक्रॉपिंग के नाम से अपन इसको कह सकते हैं, और एक होता है एकल सस्टेन, ठीक है, जिसे मोनोक्रॉप कह सकते हैं, और एक होता है बहुसस्टेन। तो यहां पर देखिएगा, एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाने की जो क्रिया है, उस क्रिया को अपन क्या कहेंगे? बहु का मतलब क्या होगा? बहुत सारी फसलों को एक साथ उगाना, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आपका? जिसे मिश्रित सस्यन, ठीक है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं मिक्सड क्रॉपिंग जो आता है, वो इसी को अपन कहेंगे मिक्सड क्रॉपिंग। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है आपका? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट, जो आपका 42 है, 42 के ऊपर राजस्थान में सस्य सघनता होती है। तो ये भी आपका बहुत गजब का क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है, फसल सघनता होती है, वो कितनी होती है? तो एक होता है जैसे इंडिया की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो है 140%, और राजस्थान की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितनी है आपकी? 130। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान के अंदर जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है? 130%। काफी विद्यार्थी अपने लाइव सेशन से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अपना जो ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट है वो है जो अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू जयपुर के अंदर, और आज की जो क्लास है एग्री मनोज सर यूट्यूब चैनल पे है। तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आज की जो क्लास है इसको ज्यादा शेयर कीजिए। और यहां पर देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में एरिड रीजन, बहुत गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 43 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा राजस्थान का जो एरिड रीजन होता है, एरिड रीजन का मतलब क्या होता है? जो शुष्क क्षेत्र होता है, उस शुष्क क्षेत्रों के अंदर जो है इसका मुख्य क्रॉपिंग सिस्टम है वो क्या है? तो आपने देखा होगा कि जहां पर एरिड क्षेत्र होता है वहां के क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर मोस्टली अपन क्या करते हैं? जो आपकी पल्सेज क्रॉप आती है, लेग्यूम्स क्रॉप आती है, उनको सम्मिलित करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जैसे एक है बाजरा और गेहूं, एक ऑप्शन है आपका उड़द और सरसों, एक ऑप्शन है आपका जैसे मक्का और सरसों, और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि मोस्टली ऐसा यदि क्रॉपिंग सिस्टम हो वहां पर अपन मोस्टली जो है जो दलहनी फसलें होती है उनको सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि दलहनी फसलों के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि वहां पर इनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, क्रॉप ड्यूरेशन होता है वो क्या रहता है? इनका कम रहता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपने को उन फसलों को सम्मिलित करना चाहिए। सर एक बार ये निकाल के दो मेरे को, ठीक है। तो यहां पर जो है वो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, दलहनी फसलें क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त बैठती है, कि जो दाल वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलें जो है क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त बैठती है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? तो आप जो है, आप सभी से मेरी अपील है कि आप जो है 44 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर लिखकर भेजिए, ताकि आपका भी थोड़ा सा है क्लियर हो सके। सभी जो दोस्त हैं एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर आपका जो राय है वो दीजिए कि इसका जो है 44 का जो राइट आंसर है वो क्या है। अनिल कुमार 44 में बी, अच्छा कम अवधि की फसलें, ठीक है आगे दीजिए। जो भी लोग हैं कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिखकर भेजिए, ताकि अपने को पता चल सके कि एक्चुअल के अंदर जो आपका जो लेग्यूम्स क्रॉप है उसको अपन है ना जिसे मोस्टली क्रॉपिंग सिस्टम में क्यों सम्मिलित करते हैं, एग्री राठौड़ जी भी। तो यहां पर देखिएगा दलहनी फसलें क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त बैठती है, पहला जो है वो है ये लंबी अवधि की है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये तो बिल्कुल यहां पर तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन में जो है वो बिल्कुल नेगेटिव है। एक आता है ये कम अवधि की फसलें हैं, और एक होता है ये रोगरोधी फसलें हैं, और एक आता है जो डी है मॉइस्चर स्ट्रेच रेजिडेंस, ठीक है। अपन इसको कह सकते हैं ये जो फसलें होती है ये फसलें एक्चुअल के अंदर सूखा सेंसिल होती है, इसलिए आप जो है काफी थोड़ा कंफ्यूज। अब यहां पर जो 44 नामक क्वेश्चन है इसमें दो चीजें हैं, एक तो आता है इनका
ड्यूरेशन क्या होता है, कम होता है। एक होता है कि ये सूखा सेंसिल होती है। अब आप लोगों ने इसका जो आंसर है वो भी दिया है, बाकी एक्चुअल में इसका जो आंसर होगा कि जो दाल वाली फसलें हैं उनको क्रॉपिंग जो सिस्टम है अपना इसलिए शामिल करते हैं कि ये सूखा सेंसिल फसलें होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट होगा। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 45 है, फसल चक्र में निम्न प्रकार की फसलों को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। क्रॉप रोटेशन के अंदर किन फसलों को सम्मिलित किया जाता है, तो यहां पर देखिए क्रॉप रोटेशन के अंदर ऐसी फसलों को सम्मिलित किया जाता है जिससे सॉइल फर्टिलिटी जो है वो लंबे समय तक बनी रहे। तो यहां पर जो ये देखो आपने जो राहुल जी है, राहुल जी आप कह रहे हैं सर डी का मतलब क्या हुआ, तो डी का एक्चुअल में क्या है, ये सूखा सेंसिल। तो क्रॉप रोटेशन के अंदर मोस्टली जैसे आपने जैसे कम अवधि की फसल को आंसर चुना, तो उसका दूसरा रीजन क्या है कि क्रॉप रोटेशन के अंदर वहां पर एक्चुअल में सबसे बड़ी जो विशेषता होती है दलहन की वो होती है कि वो सूखे के प्रति सेंसिल होती है, इसलिए कम पानी के अंदर भी उसको वहां से उगाया सकता है। तो आप जो है सेकेंड आंसर की बजाय आप जो है डी आंसर चुनिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है, तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर एक है दलहन, ऑप्शन नंबर बी है आच्छादित। आच्छादित को मतलब बोलेंगे कवर क्रॉप। आपने देखा होगा जैसे नमी संरक्षण के लिए मोस्टली कवर क्रॉप लगाई जाती है और उसमें भी दलहन को अपन मुख्य रूप से क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं, ठीक है। एक होता है आपका केस क्रॉप जिसको नकदी फसल कह सकते हैं, और एक आता है फाइबर्स क्रॉप जो रेशे वाली। तो क्रॉप रोटेशन के अंदर यहां पर देखिएगा दलहनी फसलों को जो है वो सम्मिलित किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा वो क्या है आपका फर्स्ट। उसके बाद में देखते हैं आपका जो 46 नंबर का क्वेश्चन है, एक ऋतु में एक साथ गेहूं व चना की फसल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज थोड़ी टफ दी गई है क्वेश्चन की, समझिएगा। पहला जो आपका जो क्वेश्चन है देखिए 46, एक ऋतु में एक साथ गेहूं और चना की फसल बिना अलग अलग कतार में बोने को कहते हैं, कि आपने चना और जो आपका गेहूं है वो लगाया लेकिन वो एक्चुअल में कतारों में नहीं लगाया, आपने मिक्सिंग करके लगाया है, तो एक्चुअल में इस प्रणाली को क्या कहेंगे, तो इसे बोलेंगे मिक्सिड क्रॉपिंग। अब मिक्सिड क्रॉपिंग जैसे मिश्रित फसल, एक होता है अंत्यशस्य फसल, इसे अपन इंटरक्रॉपिंग बोलेंगे, एक होता है क्रॉप रोटेशन और एक होता है अविराम अंत्यशस्यन। तो 46 का जो सही जवाब है वो क्या है आपका, वो है मिक्सिड क्रॉपिंग। जब एक खेत में अपन दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को आपस में मिला के बोते हैं उसे मिश्रित फसल, या अपन क्या कह सकते हैं जैसे उसे मिश्रित फसल या मिक्सिड क्रॉपिंग के नाम से कहा जाता है। इसको एसी को बंद कर दो सर। बिल्कुल आपने ए बिल्कुल सही जवाब दिया है सुभाष जी, बिल्कुल चौधरी जी बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, महेंद्र कुमार जी आपका बहुत अच्छा आंसर है, संडी चौधरी जी बिल्कुल ए। अब उसके बाद में देखिएगा 47 का जो क्वेश्चन है वो 47 का जो क्वेश्चन है वो देखिएगा 47 के अंदर है दिया हुआ है आपके सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो होता है इसको अपन लिख सकते हैं जैसे सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, CAEI, ठीक है। तो सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो कहां पर है, वो है आपके जैसे मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल जो है, भोपाल के अंदर ये इंस्टीट्यूट है। तो 47 का जो राइट आंसर है भोपाल MP के अंदर स्थित है, इसलिए यहां पर सी आंसर होगा। उसके बाद में देखिएगा 48 जो है, 48 के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहां पर तीन आपके जो है वो सही दे रखे हैं और एक युग्म जो है वो आपका सही नहीं है। तो देखिएगा सरसों अनुसंधान निदेशालय जो होता है DRMR, जिसका अभी वर्तमान नाम है DRMR, इसको अपन कह सकते हैं डायरेक्टेड रिसर्च मस्टर्ड एंड रैपसीड, या जिससे पहले इसका जो नाम था NRCRM, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रैपसीड एंड मस्टर्ड। तो आजकल इसका जो नाम है वो क्या हो गया DRMR, वो कहां पर स्थित है अपने भरतपुर में। एक आता है जिसे कादरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कादरी एक्चुअल में कहां स्थित है आपके, जोधपुर में, जोधपुर कहां है आपके राजस्थान में, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कादरी का जो इंस्टीट्यूट है वो कहां पर स्थित है। तो कादरी का जो एक्चुअल इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है आपके, जोधपुर के अंदर। उसके बाद में देखिएगा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां है, केंद्रीय को बोलेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, शुष्क को बोलेंगे एरिड, और एक आता है
बागवानी जो है उद्यान, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, तो एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है अपने बीकानेर में, तो कुल मिला के पहला सही है, ये सुमेल भी सही है, बीकानेर भी सही है। अब यहाँ पर डी देखते हैं, राष्ट्रीय बीज मसाला जो संस्थान है वो कहाँ है, तो ये कालीकट देख है, तो कालीकट में क्या है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है। लेकिन यदि सीड स्पाइसेज की बात करते हैं, बीज मसालों की बात करेंगे, तो बीज मसाला जो है वो कहाँ है, तबीजी, और तबीजी कहाँ है दोस्तों, अजमेर में। तो इसलिए इसका जो है सुमेल सही नहीं बैठता, वो कौन सा है आपका, डी 48 में डी आंसर होगा। 49 के अंदर देखिएगा, वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है, तो वर्तमान में भारत के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो कौन है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात करेंगे, जैसे वर्तमान में भारत का कृषि मंत्री जो है, जैसे ऑप्शन नंबर एक है लालचंद कटारिया, राजस्थान का एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, लालचंद कटारिया, और एक है राजनाथ सिंह, तो भारत का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कौन है, राजनाथ सिंह, और एक है राधामोहन। तो पिछली जो मोदी सरकार की जो पहली जो सरकार थी उसके अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो था वो कौन था आपका, राधामोहन, लेकिन वर्तमान में एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है वो कौन है आपका, नरेंद्र तोमर। तो यहां पर 49 क्वेश्चन जो है उसका जो राइट आंसर है, इंडियन एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है वो कौन है, डॉक्टर नरेंद्र तोमर। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे 15 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, 50 पीली क्रांति का संबंध है, तो देखो पीली जो क्रांति है, पीली क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, पहला है तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन नंबर दो है आपके दलहन उत्पादन से, ऑप्शन नंबर तीन है खाद्यान्न उत्पादन से, और ऑप्शन नंबर डी है फल उत्पादन से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका पीली क्रांति होता है मोस्टली ऑयल सीड्स जो होता है, तेल वाली फसलें होती है, तिलहन उत्पादन से होता है, और तिलहन उत्पादन में भी मोस्टली जो मस्टर्ड होता है आपका, सरसों आता है, उसके लिए आता है। दोस्तों मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो अराइज स्टडीज का जो गूगल प्ले स्टोर पे जाके अराइज स्टडीज जो है, या डिस्क्रिप्शन में जाके आप है ना, जिसे आपको है ना इसका लिंक भेजा जाएगा, तो अराइज स्टडीज जो चोमू जयपुर है उसके गूगल प्ले स्टोर पे जाके इसके ऐप को डाउनलोड कीजिए, और इस ऐप के माध्यम से जो है वो आप है ना एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट है अपना अराइज, अराइज की जो ऑनलाइन क्लासेज है, ऑनलाइन क्लासेज के साथ ऑनलाइन मटेरियल है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, उनको आप ज्वाइन कीजिए, ताकि आप है आगामी समय में कृषि पर्यवेक्षक की जो है वो तैयारी कर सके। जो अराइज स्टडीज है, अराइज स्टडीज को आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कीजिए, और इसका जो है डिस्क्रिप्शन में हम जो है लिंक भेजने का प्रयास करेंगे, और इसको ज्वाइन कीजिए, और मात्र 200 रुपये में अराइज स्टडीज की जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़िए, ताकि आगामी एग्जाम के अंदर आप है अच्छा परफॉर्म कर सको, और आप उसमें चयनित हो सके हमारी टीम के द्वारा। एक्चुअल में आप लोगों के लिए जो भी जो है सुविधाएं होगी वो हम उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। अब यहां पर देखिए 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, तिलहन उत्पादन। एक आता है राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में नींबू वर्गीय फलों का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कहां पर स्थापित किया गया, तो यहां पर देखो 51 जो है, 51 के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। जो राजस्थान सरकार है इसने नींबू वर्गीय फलों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कहां पर किया, जो स्थापित किया, श्री गंगानगर में, एक है आपका झालावाड़ में, एक है आपका दोस्तों उदयपुर में, और एक आता है कोटा में। तो जो नांता फार्म कोटा है वहां पर नींबू वर्गीय प्लांट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्थापित किया गया, बहुत गजब का क्वेश्चन है। और एक आता है संतरा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कहां है, झालावाड़ झालरापाटन में। तो यहां 51 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा, कोटा। नेक्स्ट देखिएगा 52 के ऊपर, राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में किस क्षेत्र में अग्रणी है। काफी जो लोग है इसको दलहन आंसर देते हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर मस्टर्ड का प्रोडक्शन जो होता है वो भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है, राजस्थान। तो राजस्थान क्या होता है, ऑयल सीड्स के अंदर है ना बहुत तेजी से आगे आ रहा है। तो यहां पर जो है राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी है खाद्यान्न में, दलहन में, तिलहन में, मसाला में। तो दलहन के अंदर क्या है आपका, एमपी है, और तिलहन के अंदर दलहन की अपेक्षा क्या है, राजस्थान में प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर देखते हैं, वायु की दिशा मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो वायु की दिशा मापने वाला जो यंत्र है, वायु की दिशा मापने वाले यंत्र को अपन एक्चुअल के अंदर है उसे कहेंगे अपन विंड वैन, या अपन कह सकते हैं वायु दिशा सूचक। थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे,
तो अपना जो क्वेश्चन नंबर जो था वो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 52 53, वायु दिशा जो मापने वाला यंत्र है इसे अपन क्या कहेंगे? तो वायु की दिशा मापने वाला जो यंत्र है उस यंत्र को अपन विंड वैन, और विंड वैन को हिंदी के अंदर अपन कहेंगे वायु दिशा सूचक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। यह है कोटा बूंदी जिलों का अधिकांश हिस्सा राजस्थान के किस जलवायु खंड में आता है? तो राजस्थान को एग्रोक्लाइमेटिक दृष्टि से हमने 10 भागों में बांटा है, और एक्चुअल में देखा होगा आपने जो हाड़ौती का जो पठार है ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों के अंदर स्थित है। तो यहां पर देखिए आद्र दक्षिणी जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ आता है मोस्टली, एक आता है आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदान जिसमें हाड़ौती का पठार कोटा बारा बूंदी और झालावाड़ आते हैं, एक है अर्ध आद्र दक्षिणी मैदान, और एक आता है पूर्वी बाढ़ संभावित। तो पूर्वी बाढ़ संभावित में जैसे आपका अलवर है, भरतपुर है, स्वाईमाधोपुर है, ये आपके जिसे पूर्वी बाढ़ संभावित क्षेत्र में आते हैं। तो जो हाड़ौती है कोटा बारा बूंदी ये मोस्टली दक्षिणी जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर मोस्टली है ये। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 54 है इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी है। क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर डिस्कस करेंगे, निम्न में से पौधे को मिलने वाला जो जल है वो कौन सा है? एक्चुअल के अंदर पौधे को जो मिलने वाला जो जल होता है, जैसे अपन सॉइल प्रॉपर्टीज के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि मर्दा जो वाटर होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो एक होता है हाइग्रोस्कोपिक, एक होता है कैपिलरी, और एक आता है ग्रेविटेशनल। तो हाइग्रोस्कोपिक का अर्थ क्या होता है? आद्रताग्राही जो पौधों को अवेलेबल नहीं होता। कैपिलरी क्या होता है? केशिकीय जल जो पौधों को प्राप्त होता है। और एक होता है गुरुत्वीय जल जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रूट जोन से क्या हो जाता है? नीचे। तो पौधों को मिलने वाला जो जल है दोस्तों वो कौन सा है? केशिकीय जल। काफी बार आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 के ऊपर, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स के अंदर है, इसका आंसर लिख के भेजिए। जो मृदा उर्वरता है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला जो प्राकृतिक कारक है वो प्राकृतिक कारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक है वाटर लॉगिंग जलाक्रांति, ऑप्शन नंबर बी है जलवायु, ऑप्शन नंबर सी है मृदा पीएच, और एक आता है दोस्तों सभी। तो 56 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो है वो आंसर दीजिए। लोकेश खोखर जी 56 में क्लाइमेट, ठीक है, वेरी गुड। बबली यादव डी, विक्की ऑल, रमेश मीना सी, कालू राम जी यादव सी, दीपक सैनी ऑल ऑप्शंस। चलो देखते हैं कालू राम जी सी। चलो मैं इसको एक बार डिस्क्राइब करता हूँ, और डिस्क्राइब करने के बाद में अपन बात करते हैं मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक कौन सा है। ठीक है, आपने काफ़ी प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सपना जो है जुड़ी है अपने से, है ना, खान साहब जुड़े हैं, महेंद्र जी जुड़े हैं अपने से, लोकेश खोकर जी जुड़े हैं, गुज्जर साहब जुड़े हैं, जेपी जी अपने से जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप जो है अपनी लाइव सेशन से बने। और आपको मैं बताना चाहूँगा रोज 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में अपना लाइव सेशन होगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने यूट्यूब चैनल को, ताकि जो है राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी तक जो अपना एग्रीकल्चर मटेरियल है वो पहुँच सके। रोहित जी है सी। चलो देखते हैं, इसको पहले डिस्क्राइब करते हैं, फिर आपके जो है आंसर का एनालिसिस करते हैं कि आपने जो दिया है वो ठीक है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर अपन बात करेंगे मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला जो प्राकृतिक कारक है वो कौन सा है। तो एक होता है जैसे वाटर लॉगिंग है, तो वाटर लॉगिंग का अर्थ क्या होता है? जलाक्रांति। कई बार किसान जो होता है वो खेत के अंदर अतिरिक्त सिंचाई करता है जिसे अनियंत्रित आप्लावन अपन कह सकते हैं। तो अनियंत्रित जो आप्लावन की कंडीशन होती है उसे अपन क्या बोलेंगे? जलाक्रांति। अब जलाक्रांति कैसे उत्पन्न होती है? जलाक्रांति एक्चुअल के अंदर क्या होता है, यदि आपने खेत में अतिरिक्त पानी डाला है तो वहां पर जो है वाटर लॉगिंग की स्थिति होती है। तो ये तो एक्चुअल में आपका कृत्रिम कारक हो गया। ठीक है, उसके बाद में जैसे पीएच के ऊपर स्टडी करते हैं, जैसे किसान जो है, किसान अक्सर क्या करता है, जैसे अम्ले प्रकृति के उर्वरकों का यूज करता है खेत में, मृदा का पीएच क्या होगा? कम होगा। या सारे प्रकृति के उर्वरकों का प्रयोग करेगा तो मृदा का जो पीएच है वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो एक्चुअल में सॉइल पीएच जो होता है वो भी क्या है? कृत्रिम कारक है। एक होता है क्लाइमेट, क्लाइमेट की अपन बात करेंगे, जैसे आपने देखा होगा क्लाइमेट में बरसात का आना,
एक होता है आंधी आना, तूफान आना, इरोजन का अधिक होना, ये सब चीजें एक्चुअल में किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्लाइमेट के। तो जैसे ड्राई क्लाइमेट है या अति आर्द्र क्लाइमेट है, दोनों कंडीशन के अंदर मृदा उर्वरता कम होगी। लेकिन जैसे एक्चुअल के अंदर ऐसी क्लाइमेट है जहां पर वर्षा की मात्रा है वो बिल्कुल अच्छी होती है, ना ज्यादा और ना कम, तो वहां पर वनस्पति भी क्या रहती है, ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, ऐसी कंडीशन के अंदर वहां की फर्टिलिटी क्या होती है, ज्यादा। तो प्राकृतिक रूप से इसको प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा है, जलवायु। नेक्स्ट देखिए 57, जिप्सम में कैल्शियम व सल्फर की मात्रा पाई जाती है। तो अपना जो जिप्सम है, जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर की जो मात्रा है वो कितनी होती है, कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से जवाब लिख के भेजिए। जो अपना जिप्सम है, जिप्सम के अंदर कैल्शियम और सल्फर की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर की जो मात्रा है वो कितनी होती है, जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर, ऑप्शन नंबर एक 20 40 20, ऑप्शन नंबर बी 29 18, ऑप्शन नंबर सी 18 29, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 9 से 11। ठीक है, उनतीस अगस्त को। चलो सर, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप जो सभी दोस्त है वो क्वेश्चन पे फोकस कीजिए और मोर इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पे देते रहेंगे। और आपका जो है क्वेश्चन है भाई सर, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम है, तो देखो अगस्त सितंबर के लगभग आपका एग्जाम जो है वो शायद कंडक्ट होगा। तो आप जो है अपनी तैयारी को रखिए, अगस्त ज़्यादा संभावना है। बाकी कन्फर्म जो है, कन्फर्म डेट हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि फेक न्यूज़ आपको है ना हम नहीं दे सकते, क्योंकि ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल होते हैं उसमें फेक इन्फॉर्मेशन जो है वो देना एक प्रकार से अच्छा नहीं रहता। इसलिए मैं आपको सजेशन यही करूँगा कि आप है ना अपनी तैयारी को रेगुलर रखिए, जो भी होगा वो देख लेंगे। लेकिन लगभग जो अगस्त जो है, अगस्त के आसपास अपनी जो एग्जाम है वो 13 अगस्त है, इसका एक आइडिया सा है, 13 अगस्त को अपने एग्जाम हो सकता है कंडक्ट हो। तो यहाँ पर देखिएगा जिप्सम में कैल्शियम जो होता है वो होता है 29 है ना, और यहाँ पर जो सल्फर होता है वो कितना होता है, 18। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 57 है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, राइट आंसर है। एक देखिएगा, उसके बाद में अपन बात करेंगे 58 के ऊपर। 58 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपके, जैसे जल स्रण निम्न में से सही क्रम कौन सा है। तो आपने देखा होगा जल स्रण जो होता है, बोछार, परत, रिल, अवनालिका। पहला कौन सा है, बोछार। दूसरा है परत, जिसको सीट अपन कह सकते हैं, बोछार, परत, रिल, और एक है आपका अवनालिका। तो यहां पर देखिएगा बोछार, परत, रिल और अवनालिका, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। तो यहां 58 के अंदर राइट आंसर जो होगा बोछार, परत, रिल और अवनालिका। तो यहां क्वेश्चन नंबर जो है 58 का सी ऑप्शन है। उसके बाद में देखिएगा भारत में 58 जो है, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात किसे माना गया या कब माना गया। तो एक्चुअल के अंदर देखो मैक्सिकन जो साइंटिस्ट था डॉक्टर एंडी बोरलॉक, डॉक्टर एंडी बोरलॉक ने 1960 के अंदर बोने जीन की खोज की जिसका नाम था नोरिंटेन, और 1963 के अंदर भारत में कुछ वैरायटियों का आगमन हुआ। और एक्चुअल में जो हरित क्रांति है वो एक्चुअल में 1965 से 1966 के अंदर है ना भारत के अंदर आई। तो ये ऑप्शन नंबर जो आपका देखिएगा जो डी है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है, 16 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस देखिए, निम्न में से मृदा संरचना, ये निम्न में से संरचनात्मक पोषक तत्व है। तो आपने देखा होगा उपलब्धता के आधार पर पोषक तत्वों का हमने वर्गीकरण पढ़ा, उसमें एक आता है वायुमंडल से मिलने वाला, एक आता है मृदा से मिलने वाला। तो वायुमंडल से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पादप की बॉडी का लगभग 95% भाग का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें संरचनात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। अब यहां पर देखिएगा 6 का जो है कार्बन, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। तो संरचनात्मक जो पोषक तत्व है वो कौन सा है, कार्बन है। तो आज की जो क्लास है हमने 20 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया, कल अपन फिर से 8 से लेकर 8:30 के बीच में है अपना लाइव सेशन रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थी है, टाइमिंग आपको रेगुलर बता दी गई है, 8 से 8:30 के मध्य अपनी क्लास होगी, और आप सभी जो है, और 7 बजे जो है, 7 से 8 बजे के बीच में
अराइज स्टडीज यूट्यूब चैनल जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अराइज स्टडीज के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि 7 से 8 बजे जो लाइव सेशन रहता है मेरे द्वारा, वो क्लास जो है आप लोगों तक मिले। और इन दोनों क्लास के माध्यम से हम लोग है आपको कृषि पर्यवेक्षक में आने वाले समय में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल करवाएंगे। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, अराइज स्टडीज जो ऑनलाइन चैनल है यूट्यूब, उसको सब्सक्राइब कीजिए। एग्री मनोज सर जो है इन दोनों चैनल्स के ऊपर 7 से 8 और 8 से 8:30 बजे अपनी लाइव सेशन रहेगी। तो आप सभी से निवेदन है, कल एक बार फिर से मिलते हैं। मैं अंत में मुलायम सिंह यादव आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और अपनी ऑफलाइन जो क्लासे है अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू जयपुर के अंदर, अपनी ऑफलाइन क्लासेज जो है जिसमें कृषि पर्यवेक्षक के 3 बैच कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं कहना चाहूँगा जहाँ पर एक डिसिप्लिन ही एक परंपरा है, और वहाँ जो है यहाँ चौथा जो बैच है 1 या 2 दिन के अंदर हम चालू करने जा रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी है जो हमारी ऑनलाइन क्लासों से जुड़ना चाहते हैं वो हम आपको इन्वाइट करते हैं, और आप हमारी ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों प्रकार की फैसिलिटीज से जुड़कर कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।